हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू आर ऑल। आई रियली होप आप सब ना एकदम मस्त हो गए। वैसे गर्मी तो बहुत ज्यादा है, समझ सकती हूँ। वो मौसम एक दिन के लिए था, बहुत ठीक हुआ, उसके बाद से फिर से हद पार गर्मी। चलो इस टॉपिक को रखते हैं साइड में एंड लेट्स टॉक अबाउट द टुडेज टॉपिक। फिलहाल आपको टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा दैट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो बेसिकली इट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेप व्हिच आई एक्चुअली वांट टू गिव ना, दैट इज इफ यू वांट टू गो फॉर अ मल्टीपर्पज क्लोथिंग ना, जिसको आप बहुत बार रिपीट कर सको एंड यू कैन वियर इट फॉर द मल्टीपल टाइम, इवन द 1000 टाइम, सो डेफिनेटली जस्ट गो फॉर अ नाइस कॉर्ड सेट। Yes, so in this video, I will be pairing my one cord set into 10 different ways. Yes, you heard it right. Basically, मेरा एक बहुत ही अच्छा सा cord और set है, which is a blazer set, blazer and a skirt, to which I want to wear into 10 different ways. जिससे आपको भी ideas मिल जाएंगे different different तरह से blazer use करने के, different different तरह से skirt use करने के, and अगर आपके पास भी ऐसा कोई blazer set है ना, तो आपके पास ये बहुत सारे options होने वाले हैं कि आप इन्हें कैसे use कर सकते हो। So that was all about the intro of today's video, right? I really hope कि आपको मेरा ये concept पसंद आया हो, that how to use a one clothing item into different sort of ways or different sort of स्टाइलिंग टिप्स और वट एवर सो नॉट, जो आपको समझना हो समझ जाओ, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई वुड लव टू मेक सच वीडियो जहां पे मैं एक पीस ऑफ क्लोथिंग को बहुत ही डिफरेंट तरह से स्टाइल करूंगी। सो चलो आई थिंक आज के लिए बहुत ज्यादा इंट्रो दिया। बाय द वे, इफ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन लेट मी टेल यू, माय नेम इज आकृति वर्मा एंड आई जनरली मेक वीडियोज ऑन फैशन एंड ब्यूटी, राइट? तो अगर आप भी फैशन एंड ब्यूटी कंटेंट में इंटरेस्टेड हो ना, तो जल्दी जल्दी से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड यस ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यार कैसे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, कैसे पता चलेगा दैट आई हैव अपलोडेड अ वीडियो, राइट? सो चलो दैट वाज ऑल अबाउट इट, नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। सो हियर इट्स द पीस व्हिच वी आर गोइंग टू स्टाइल टुडे, व्हिच इज अ नाइस बॉटल ग्रीन कलर का ब्लेजर, ग्रीन एक्चुअली ग्रीन a nice bottle green color blazer and a nice skirt with it. Yeah, so basically it's a blazer and a skirt piece. जिसको आज हम 10 तरह से स्टाइल करेंगे एंड आई विल बी टेलिंग यू हाउ यू मे स्टाइल देम टू, राइट? सो अगर आपके पास ऐसे कोई कॉर्ड सेट है तो आपको भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाने वाले हैं। एंड आज की वॉइस के लिए मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा कफ हो गया है। हाँ, मुझे इस तड़पती गर्मी में कफ हो गया है, दैट समथिंग इज सुपर ड्रास्टिक, बट हो गया सो हो गया, राइट? सो प्लीज मेरी वॉइस के साथ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है? सो चलो फटाफट से नाउ लेट मी शो यू कि कैसे मैंने इस ब्लेजर और स्कर्ट गुम हो गई, कैसे मैंने इस ब्लेजर और स्कर्ट को स्टाइल किया है। एंड एक और चीज, वैसे उसके लिए मुझे सॉरी बोलना कि अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं चाह के भी नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज इंडिया में शीन बैन हो चुका है एंड जैसे मैंने आज के 2 साल पहले खरीदा था फ्रॉम द शीन, राइट? सो या मेरे पास अब लिंक नहीं है। बाय द वे, अगर इससे मुझे मिलते जुलते कोई भी लिंक मिले ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली डाल दूंगी, तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट। हाँ, और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो यार उससे मेरे इंस्टाग्राम पर भी लिंक मिल जाएगा, तो आप मेरे को वहां पर फॉलो कर लेना। सो चलो अब मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक्चुअली में इसे कैसे स्टाइल किया इन टू माई 10 डिफरेंट वेज। So let's start with the styling now. Okay, let's move on to the very first styling. So for the very first styling, what I does is just wearing the same skirt blazer, exactly the same the way that is. What you have to do is simply just आपको अंदर कोई अच्छी सी स्पेक्टी या फिर ब्रालेट या फिर कोई भी ट्यूब टॉप, just wear it whatever you want, it could be anything as I told you, bralette, spaghetti or a tube top or whatever, it could be high neck too, agar thanda aap high neck wagera bhi wear kar sakte ho, but what you have to keep in mind ki bahut hi color coordinated hona chahiye, yahan pe bahut hi dark green color tha, that's why I gone for a nice peachy pink sort of a spaghetti top, which really just uplifted the look and it looks so nice. Now let's move on to the styling number 2, and for the styling number 2, what I does it, I just gave this cord set a one piece look. आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे blazer को in किया हुआ है within my skirt and it looks super nice. कि अगर आपको कभी भी monochromatic look ready करना है, then you can go for the same sort of a thing. और
प्लेस ऑलवेज डजेंट मीन कि आपको उसे आउटर वे में ही पहनना है, आप उसे इन करके भी बहुत अच्छे से रॉक ऑन कर सकते हो. सो यहाँ पे मैंने ब्लेजर को अच्छे से स्कर्ट के अंदर इन किया हुआ है एंड ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि इट्स अ ब्लेजर एंड अ स्कर्ट शर्ट. इट्स एक्चुअली कम्प्लीटली लुकिंग लाइक अ वन पीस बॉडीकॉन ड्रेस एंड एक्चुअली मैं कह सकती हूँ दैट इज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लुक फ्रॉम दिस कम्प्लीट 10 लुक्स एंड आई जस्ट रियली फेल्ट इन लव विद. आप अपने स्लीव्स को मस्त रोल वोल करके यार बढ़िया से लुक को रॉक ऑन करो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टाइलिंग नंबर 3 एंड फॉर द स्टाइलिंग नंबर 3 आई पेयर्ड इट विद अ शर्ट. यार अब स्कर्ट की बात है और शर्ट ना पेयर करें ऐसा कैसे हो सकता है. देखो अब अगर मुझे इस लुक को फॉर्मल लुक देना होता ना देन आई मस्ट हैव गॉन फॉर अ नाइस वाइट शर्ट बिकॉज वाइट शर्ट्स बहुत अच्छी लगती है व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल एंड ग्रीन के साथ तो वो बहुत ही अच्छा पेयर करता. बट आई गॉन फॉर अ नाइस लेवेंडर सैटिन शर्ट बिकॉज दोनों कलर्स काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ जा रहे थे. सो दिस इज़ वॉट आई फेल्ट. आपको जो भी कलर बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेट करे आप वैसे पेयर अप कर सकते हो. एंड ये लुक भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज दिस नाइस सैटिन शर्ट विद दिस स्कर्ट आई रियली लव दिस वाइट ए लाइन ग्रीन स्कर्ट विद दिस नाइस म्यूटेड लेवेंडर शेड. इट्स एक्चुअली सच ए नाइस. आप इसको फॉर्मल भी पहन सकते हो इनफॉर्मल भी पहन सकते हो दैट्स टोटली अप टू यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टाइलिंग नंबर 4. अब आपको ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी यार ये क्या मैंने किया. बेसिकली मैंने अपने वाइट जीन्स को वेयर किया हुआ है एंड इन दिस लुक व्हाट आई डिड कि मैंने अपने स्कर्ट को ही ऊपर चढ़ा के पहना हुआ है. आई वोर स्कर्ट एज अ टॉप. Please don't mind my brush strap. I was actually getting so lazy to just change it and turn it into my strapless bra or something. तो आप ऐसे भी wear कर सकते हो. आपको अपनी skirt को as a top wear करना है and then it's totally up to you कि अगर आप ऐसे पहन सकते हो आप ऐसे पहनो एंड इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल तो जैसे पहले मैंने ऊपर से ब्लेजर डाला हुआ था आप वैसे पेयर अप कर सकते हो. इट ऑल्सो लुक्स रियली नाइस कि आपका वो टू वे टॉप लगता है एंड यू कैन पेयर योर टू वे टॉप इन एनी वे द वे यू वॉन्ट राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टाइलिंग नंबर 6 एंड फॉर द स्टाइलिंग नंबर 6 व्हाट आई डिड इज कि आप मैंने पूरा एक ब्लैक आउटफिट लिया हुआ है. आई गॉन फॉर अ ब्लैक स्पेगेटी एंड अ ब्लैक जीन्स एंड देन उस पर एक कलर एड ऑन करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन ब्लेजर एड ऑन किया. अब ऐसा आप अपने कई आउटफिट के साथ कर सकते हो कि पूरा आप मोनोक्रोमेटिक आउटफिट लेके जाओ एक ही कलर का आउटफिट लेके जाओ बट आप उस पर एक पॉपअप कलर डालने के लिए आप कुछ भी नेक्स्ट वेयर अप कर सकते हो. इट कुड बी इयर रिंग इट कुड बी जैकेट इट कुड बी स्कार्फ और एनीथिंग. इट्स टोटली अप टू यू गाइस. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस स्टाइलिंग कि मैंने पूरा ब्लैक आउटफिट करके एंड देन ऊपर से अपना ये ब्लैक ब्लेजर ग्रीन ब्लेजर कैरी ऑन किया एंड आई थिंक इट रियली लुक सुपर शीक एंड सुपर नाइस राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टाइल नंबर 7. फॉर द स्टाइल नंबर 7 ओ माय गॉड आई रियली लव दिस लुक बिकॉज उसमें मैंने कुछ भी खास नहीं किया है बट देन टू इट लुक्स कि मैंने इस लुक को क्रिएट करने में अपने ना जाने कितने एफर्ट्स लगाए होंगे. सो फॉर दिस व्हाट आई डज सिंपली अपने ब्लेजर को वेयर किया एंड अंदर प्लीज शॉर्ट्स वगैरह कुछ वेयर कर लेना राइट दैट मैंने भी अंदर डेनिम शॉर्ट्स वेयर किए हुए हैं एंड आई जस्ट सिंपली जस्ट स्क्रिंच my waist with a nice belt because belt से आपका लुक और निकल के आता है. Now let's move on to style number 8. For the style number 8, I just tried to give it a really casual vibe. तो मैंने shorts और स्पेगेटी के ऊपर ऐसे ब्लेजर को wear कर लिया. ब्लेजर always doesn't mean कि आप बहुत ही formal events में भी पहनो. ब्लेजर को casual तरीके से पहनना is also an art हाँ क्योंकि ब्लेजर casual ways में भी बहुत अच्छे लगते हैं. So here just a short and a spaghetti top and उसके ऊपर मस्त सा ऐसे ब्लेजर डाल लिया. आई सो फील लाइक कि ये लोग बहुत ही क्यूट और बहुत ही कैजुअल लग रहा है. बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना ये लोग कैसा लग रहा है. नाउ इट्स टाइम टू गिव आर ब्लेजर अ नाइस ट्रेडिशनल लुक. बाय द वे ब्लेजर और स्कर्ट का जो आउटफिट है उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है. मैं लिंक डाउन कर दूंगी आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा. सो हेयर आई जस्ट गॉन फॉर दिस ब्लेजर जिसको मैंने इन करके अपने एक नाइस लहंगा सॉर्ट ऑफ स्कर्ट के साथ पहना है. यहाँ पर भी आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है एंड दैट इज़ द कलर कोऑर्डिनेशन बिकॉज कलर कोऑर्डिनेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग एंड ग्रीन एंड येलो सो वी ऑल नो इट रियली लुक्स सुपर ब्यूटीफुल टुगेदर. सो बस मैंने उस ब्लेजर को मस्त इन करके एंड देन स्कर्ट के साथ पेयर अप कर लिया. नाउ द लास्ट लुक एंड आई मस्ट से आई लव द लुक. बाय द वे ये लुक बहुत लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा बिकॉज इट्स टोटली शोइंग ऑफ योर शोल्डर्स एंड ऑल तो इसके ऊपर आप शर्ट वगैरह पेयर अप कर सकते हो. बट फॉर दिस लुक मैंने अपनी स्कर्ट को पहना विद अ ब्लू जीन्स एंड मैंने अपनी वेस्ट को स्ट्रेंच करने के लिए बेल्ट लगा ली ताकि एक बहुत ही अच्छा सा मतलब
आई होप यू अंडरस्टैंड, एक अच्छा सा लुक आ जाए, एक फिगर मिले, राइट? सो यू कैन गो फॉर द सेम. एंड आई गॉन, मैंने बेसिकली इस स्कर्ट के एक बहुत ही अच्छा वेस्ट टॉप लुक दे दिया. एंड दैट वॉज ऑल अबाउट द ट्रेडिंग स्टाइलिंग. ओके, सो फाइनली आपने यहाँ तक वीडियो देखी ली, दैट मीन्स वीडियो अच्छी लगी है. सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, राइट? एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अगर आपको ऐसी भी और वीडियोज देखनी है तो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स. और हाँ, आपको किस क्लोथिंग के ऊपर ऐसे डिफरेंट स्टाइलिंग वेज चाहिए ना, उसका नाम भी डाल देना है. एंड आई वुड लव टू मेक वीडियो ऑन दैट, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट. एंड दैट वॉज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो. एंड बाकी तो मैं बताई चुकी हूँ, अगर पसंद आई है तो क्या क्या करना है. तो चलो अब मैं फटाफट से चलती हूँ एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो में. टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट दैट आई लव यू सो मच. बाय बाय.